अडॉप्ट ऐसे किया कि ऑब्वियसली स्क्रिप्ट आई और पढ़ा, अच्छा लगा, डायरेक्टर से मीटिंग की, फिर छोड़ दिया प्रोजेक्ट, फिर एक और प्रोजेक्ट करने वाली थी, फिर वो छोड़ दिया, फिर वापस पास पे आई, फिर एक और, वो फिर दोबारा छोड़ दिया, फिर एक और प्रोजेक्ट पे चली गई. सो आई थिंक फॉर 3 मंथ्स आई वॉज इन एन आउट ऑफ पास और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ. बट आई थिंक कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको पिक करते हैं. सो पास इज़ दैट फॉर मी, जिसको मैंने नहीं पास थे, मुझे खुद पिक किया. आई थिंक सबसे अच्छी रिसर्च होती है जब आप खुद अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात करें. मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात हुए हैं, मैंने उनसे बात की. प्लस माई को एक्टर्स वर वेरी सपोर्टिव. यशमा से, हिरा से मेरी बहुत डिस्कशंस होती थी अबाउट द सोसाइटी दैट वी लिव इन, हमारी सोसाइटी के टैबूज़ क्या हैं, हमारी सोसाइटी में होता क्या है. सो आई थिंक उस वजह से भी मेरी बहुत एक इन्फॉर्मेशन गैदर हुई मेरे पास कि यू नो यूजुअली औरतें क्या सोचती हैं, यूजुअली औरतें या मर्द किस चीज़ का सामना करते हैं. ऑफकोर्स क्योंकि पाकिस्तानी टेलीविज़न इज़ द मोस्ट वॉच्ड मीडियम ऑफ पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि चाहे जितनी भी फिल्म्स आ जाएँ, चाहे जो भी हो जाए, पाकिस्तानी टीवी इज़ पाकिस्तानी टीवी. और अगर उसके थ्रू हम कोई बात कहीं कहना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो लोगों तक पहुँचती है. और ये जो एक मूवमेंट अभी चली है लोगों, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, ये बहुत पहले से थी. ये लाइमलाइट में अब आई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वुमेन कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट इट, विच इज़ अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस. बिकॉज सबसे ज़रूरी और अहम बात यही है कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप उसके बारे में बात करें. यही टैबू है जिसको हमें तोड़ना है. देखिए ये तो ईयर्स ऑफ मूवमेंट है. कतरा कतरा दरिया बनता है, तो जितनी कोशिश हम करेंगे, कलेक्टिव कोशिश जितनी करेंगे, उतनी आसानी से हमें इस जर्नी में हम पहुंच पाएंगे अपने गोल तक. बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वक्त लगेगा इस टैबू को ब्रेक करने में, बट कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और जारी रखनी चाहिए. एब्सोल्युटली आई फील लाइक बहुत सारे पेरेंट्स, फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर्स आर ओपन टू टॉक अबाउट दिस नाउ. सेक्शुअल हरासमेंट इज़ एन इशू विच पीपल आर ओपन टू टॉक अबाउट, विच इज़ पुरानी पहले वक्तों में नहीं बात करती थी. सब घर में चुप करा देते थे कि चुप रहो, इट्स ओके, कुछ नहीं होता, किसी को बताना नहीं है. बट अब लोग कहते हैं कि बात करो, अगर सोशल मीडिया तक नहीं लेके जा सकती तो घर में किसी फैमिली मेम्बर को बताओ. और इस वजह से ही अगर हमारे ड्रामाज में ये चीज़ दिखाई जाएगी, मुझे एक्चुअली लगता है कि ड्रामाज हमारी सोसाइटी की डिपिक्शन होती हैं, वरना ऑब्वियसली ड्रामा झूठ होता और लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते. बट पाकिस्तानी ड्रामा इसलिए इतना सेलिब्रेटेड है बिकॉज वो ज़िंदगी के बहुत करीब है. तो आई होप लोगों पर इसका इन्फ्लुएंस अच्छा हो. फ़िलहाल मेरी एक फ़िल्म है जो पाइपलाइन में है हसीब हसन के साथ ही, और देखें क्या बनता है. मेरे साथ उसमें सनम सईद हैं और फवाद खान हैं. उमेरा की स्क्रिप्ट है बट वो कोविड से पहले साइन हुई थी. सो आई यस वी आर स्टिल डेस्टिन्ड टू शूट इट, ये वक्त बताएगा. बट अभी तक ऑब्वियसली वी ऑन पेपर वी आर शूटिंग इट. एक्चुअली आफ्टर कोरोना मुझे ऐसा लगता है कि और जैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है रोज़ रोज़, कोई ना कोई नई बात आ जाती है. आई हैव लेट एवरीथिंग गो विद द फ्लो. मैं अब अपने कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ बट करियर ग्राफ के बारे में अभी नहीं सोचती. मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ़िलहाल जिस मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया है, इस साल और पिछले साल और अगर अगले साल भी हम लोग सब जिंदा रह लें और हमारे घर में खाने को रोटी है और लाइट आ रही है, आई थिंक ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. क्योंकि इस साल पिछले साल हम लोगों ने बहुत लोगों को खोया है, बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगियों से चले गए हैं और कोविड ने दुनिया बदल दी है. सो मेरे लिए इस वक्त सबसे अहम ये है कि अगर मेरी फैमिली खुश है, फैमिली है, मेरे लिए इस वक्त वो एक विन विन है. बाकी अदर थिंग्स आई एम नॉट रियली थिंकिंग अबाउट एट द मोमेंट.